हाय फ्रेंड नमस्कार, मैं ऑटो मोटर्स। आप लोग देख रहे हैं मेरा एडिशन टेक्निकल स्पेशल। फ्रेंड मैं आज आप लोग देखूंगा आप पीडीएफ फाइल में कैसे टेक्स्ट लिखें, आप पीडीएफ फाइल में कैसे टेक्स्ट लिखना है मैं आज आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड आप पीडीएफ फाइल में टेक्स्ट लिखने के लिए पहले आपको कोई ब्राउजर पर जाना पड़ेगा। मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लाता हूँ। मैं गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। अभी यहाँ पर आपको सर्च करना है पीडीएफ एड टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो आप लोग देख लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया पीडीएफ एड टेक्स्ट। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है। मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद आपका सामने ऐसा एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको जाना है, ये जो पहला वाला ऑप्शन है एडिट पीडीएफ फ्री पीडीएफ एडिटर वर्किंग डायरेक्टली इन योर ब्राउजर, यहाँ पे दिया है http://smallpdf.com। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसा एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये जो सोर्स फाइल लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना पड़ेगा। मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद आप पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर लीजिए। आपका जो पीडीएफ फाइल है उस पीडीएफ फाइल को पहले सिलेक्ट कर लीजिए। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं पीडीएफ फाइल सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अपन ओपन पे क्लिक करना है। मैं ओपन पे क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद पूरा वेट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड आप लोग देख लीजिए ये पीडीएफ फाइल खुल के आ गया। अभी यहाँ पे टेक्स्ट कैसे लिखना है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पे टेक्स्ट लिखने के लिए ये जो टी लिखा हुआ है टेक्स्ट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग जहाँ लिखना है वहीं पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट आ गया। अभी यहाँ पे लिखना है आपको जो लिखना है, मैं इसे आप लोगों को लिख दिया। और फ्रेंड इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। कलर चेंज करने के लिए इसको हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के बाद ये जो कलर ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कलर चाहिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लो मैं ये रेड कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड देख लीजिए यहाँ पे रेड कलर आ गया है। तो फ्रेंड आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसको छोटा बड़ा कैसे करना है मैं लिख देता हूँ। इसके लिए आपको ये जो टेक्स्ट लिखा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए यहाँ पे लिखा है स्मॉल रेगुलर मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज। तो यहीं पे आपको जो टेक्स्ट चाहिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए। मान लो मैं लार्ज टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देख लीजिए ये बड़ा हो गया है। और इससे भी बड़ा करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा लार्ज पर क्लिक कीजिए। तो देख लीजिए एक्स्ट्रा लार्ज में क्लिक किया। इसके बाद आपको फिर से इसको छोटा करना है। आप लोग रेगुलर में कीजिए, स्मॉल में कीजिए। स्मॉल में यह बहुत छोटा हो गया। अभी इससे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हम मीडियम कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए इसे आप लोग चेंज कर सकते हो। और फ्रेंड और आप लोग यहाँ पे जाके पेन टूल पे आप लोग ये मार्क फिर कर सकते हो किसी को दिखाने के लिए, किसी को समझाने के लिए। ऐसे आप लोग इसको मार्क भी कर सकते हो। आप लोग देख लीजिए ये प्रोसेस है। यहाँ पे क्लिक करके आप लोग हाईलाइट कर सकते हो। वी टेक्स्ट हाईलाइट कर आप लोग कीजिए जैसे अच्छा लगे। इसके बाद आप यहाँ पे मान लो आपको एक इमेज यहाँ पे डालना है। इमेज डालने के लिए आपको ये जो ऑप्शन है इमेज वाला, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद आप लोग जो इमेज यहाँ पे डालना है इस इमेज को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं कोई एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं ये इमेज सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख लीजिए यहाँ पे फोटो आ गया है। हम इसको छोटा कर लेते हैं। देख लीजिए मैं छोटा कर लिया, ये छोटा कर लिया है। छोटा करने के बाद आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैं इसे ही देखने के लिए वो एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको इसको डिलीट करना चाहते हो डिलीट भी कर सकते हो ये पे क्लिक करके। और आपका प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आप इसको सेव करना चाहते हो। सेव करने के लिए आपको करना क्या है, ये जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपका ये डाउनलोड हो जाएगा, ये सेव हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। अभी मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके लिए शो ऑल पे क्लिक कीजिए। शो ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है शो इन फोल्डर, ये कहाँ से भी है इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख लीजिए
ये पे सेव हो गया है। अभी मैं इसको ओपन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसके लिए इसको राइट क्लिक कीजिए, ओपन क्लिक, ओपन इट पे क्लिक कीजिए, एडोब प्रिंटर पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड आप लोग देख लीजिए, ये हमने जो यहाँ पे डाला था वो आ गया है, सेव हो गया है। तो फ्रेंड ऐसे ही आप लोग पीडीएफ फाइल में कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई भी इमेज डाल सकते हो। पीडीएफ इमेज पे पीडीएफ फाइल ज़्यादातर कोई फॉर्म अप्लाई करने में। तो फ्रेंड आप लोग भी ऐसे ही पीडीएफ फाइल में जो भी लिखना है, टेक्स्ट भी लिखना है, आप लोग लिख लीजिए, फोटो भी डालना है डाल लीजिए। तो ऐसे ही बहुत ही ईजी है। तो फ्रेंड थैंक यू। और फ्रेंड ऐसा ही नॉलेज उल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को दबा लेना। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।